सो वेलकम बैक गाइज, 1v4 की एक और वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको मिस्टेक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों के बारे में बताऊंगा। तो ये मैंने 1v4 खेला था इंस्टाग्राम के ऊपर, मैंने आईडी पासवर्ड दिया था, वहां से ये प्लेयर्स कस्टम ज्वाइन किए थे। स्टार्टिंग में सिर्फ 3 ही एनिमीज कस्टम के अंदर शो कर रहे थे, पर उसके बाद चौथा एनिमी भी थोड़ी देर में आ गया। तो टिप नंबर 1 ये है कि जो एनिमी आपके बिल्कुल नजदीक आ रहा है, जल्दी से आपके ऊपर रश कर रहा है, उसको जल्दी से डाउन कर दो, नहीं तो वो एनिमी आपको हेडशॉट मार सकता है। क्योंकि अगर आपने किसी दूसरे तीसरे बंदे पे फायर किया तो उसको पीछे से एम मिल जाएगा और वो आपको हेडशॉट कनेक्ट कर देगा। और दूसरा टिप ये है कि आप ग्लू होल लगा के मूवमेंट करते रहो, इससे आपकी लोकेशन के बारे में एनिमीज को पता नहीं चलता। जैसे यहाँ मैं ग्लू होल में हूँ और सामने एनिमी ओपन में भाग रहा है, इसने सोचा कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ या फिर यहाँ से नहीं निकलूंगा, और इसने जंप कर दिया। जैसे इसने जंप किया मैं निकल आया और मैंने इसे फिर हेडशॉट मार दिया। तो इस एनिमी को मेरी लोकेशन के बारे में पता नहीं था कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। उसके बाद मैंने दूसरे एनिमी को भी हेडशॉट मार दिया और उसके पास सोनिया था, वो भी फिनिश हो गया। फिर बचा लास्ट एनिमी को फिनिश करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने उसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस आपने ये ट्राई करना है कि आप उसे ऐसी जगह पे टारगेट कर लो जहाँ पे वो फंस जाए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसे ऐसे ट्रैप में फंसा लिया कि मैंने इसे हेडशॉट मार दिया और ये कुछ भी नहीं कर पाया। पर ये चीज गाइज एक्सपीरियंस के साथ आती है। इस एनिमी को मैंने काफी अच्छे से ट्रैप किया और इजिली हेडशॉट मार के डाउन कर दिया, ये कुछ भी नहीं कर पाया। तो फर्स्ट राउंड में मैंने एस मार दिया और सिर्फ एक ही एनिमी मुझे डैमेज दे पाया था, वो भी सिर्फ 9 का, बाकी कोई भी एनिमी मुझे डैमेज भी नहीं दे पाया। तो नेक्स्ट टिप ये है कि आपने हर राउंड के अंदर कोई एक लोकेशन पकड़ लेनी है और आपने फिर हर बार उसी साइड से जाना है। जैसे इस राउंड के अंदर मैं हर बार इसी साइड से आगे को जाता हूँ और एनिमीज के साथ मैं यहीं पे फाइट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एनिमीज को अपने पीछे भगाया और यहाँ पे एक एनिमी को मैंने हेडशॉट मार के डाउन कर दिया। उसके बाद मैं आगे को आया और यहाँ पे मैं 360 वॉल में पैक हो गया। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की, मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी और यहाँ पे मैंने कूद के फायर किया, मेरी ग्लू होल लग गई पर मुझे हेडशॉट लग गया। तो ये यहाँ पे मेरी साइड से एक मिस्टेक हुई कि मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी की, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये किट्टू नाम का प्लेयर था जिसने मुझे हेडशॉट मारा। अभी आप देखो इस राउंड के अंदर क्या दिक्कत हुई कि यहाँ पे एनिमीज को देखो, एनिमीज बिल्कुल भी ओपन में नहीं आ रहे और ये लगातार ग्लू होल लगाए जा रहे हैं और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला किसी एनिमी को हेडशॉट मारने का। मैंने बहुत ज़्यादा तेज मूवमेंट की और एनिमीज भी प्रॉपर कवर लेके खेल रहे थे, ओपन में कोई भी नहीं आया। और फिर यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, मेरी गन का रिलोड आया और रिलोड करता करता मैं बाहर को कूद गया और एनिमी ने मुझे हेडशॉट मारा। यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए था, बट मैं थोड़ी सी जल्दबाजी कर दिया जिससे कि मुझे बैनम ने हेडशॉट मारा। अभी देखो ये राउंड, इस राउंड में मैंने एक एनिमी को जल्दी हेडशॉट मार के डाउन कर दिया क्योंकि वो फास्ट खेल रहा था और मैंने उसे जल्दी ही टारगेट कर लिया। जैसे वो वॉल से निकला मैंने उसे टारगेट कर लिया और उसे हेडशॉट मार दिया। उसके बाद ये जो सेकंड एनिमी है ये भी फास्ट ही खेल रहा था और इसको भी मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया और इसको भी मैंने हेड मार दिया। अब इन दोनों प्लेयर्स को मैंने हेड मारे क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स फास्ट खेल रहे थे जिससे कि ये ग्लू होल से बाहर आए मेरे साथ फाइट लेने और मैंने इनको जल्दी से टारगेट करके हेड मार दिया। अब अगर मैं यहाँ पे टिप बताऊं कि ये दोनों फास्ट खेलते हैं तो मैंने इनको हेडशॉट कैसे मारा, तो देखो इन दोनों से ज्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस है जिससे कि मैंने इन्हें हेड मार दिया और कई बार ये भी मुझे हेडशॉट मार देते हैं। उसके बाद बचे दो एनिमीज के साथ मैंने काफी देर तक फाइट की और यहाँ पे मैंने फिर एक प्रेडिक्शन शॉट फायर किया और एक एनिमी को हेडशॉट लग गया। उसके बाद सोनिया था, फिर वो फिनिश। लास्ट वाले एनिमी के साथ काफी देर तक मैंने फाइट की, उसके बाद उसे बॉडी शॉट लग गया और वो फिनिश। इस राउंड के अंदर देखो यहाँ पे मैंने एक एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन कर दिया था, पर यहाँ पे आके मुझे पता नहीं चला कि सामने से कोई आ रहा होगा या फिर नहीं, और मैं यहाँ पे वेपन छोड़ के मैंने जंप किया, वेपन स्विच किया और एनिमी को पूरा पूरा मौका मिल गया और उसने मुझे हेडशॉट मारा। तो यहाँ पे ये मेरी साइड से एक मिस्टेक। फिर गाइज आप ये फैक्ट्री का राउंड देखो, इस वाले राउंड के अंदर मैंने एनिमीज को थोड़ा सा घुमाना शुरू किया, मैंने अपनी मूवमेंट स्पीड का यूज़ किया, मैं थोड़ा फास्ट खेलने लग पड़ा, मैंने एनिमीज को थोड़ा सा घुमाया इधर उधर और उसके बाद यहाँ पे देखो एक एनिमी को हेडशॉट, उसके बाद दूसरे एनिमी को हेडशॉट। जो दो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा फास्ट खेल रहे थे मैंने उन दोनों को डाउन कर दिया। और अगर मैं आपको टिप बताऊं तो टिप मैंने यूज़ की यहाँ पे अपनी मूवमेंट स्पीड और अपनी एक्यूरेसी। अपनी मूवमेंट स्पीड के साथ मैंने एनिमीज को गोल गोल घुमाया जिससे कि वो ओपन आए, उन्होंने सोचा कि मैं मूवमेंट करने में बिजी हूँ तो मैं उनको टारगेट नहीं कर पाऊंगा, तो वो जैसे ओपन में आए मैंने अपनी एक्यूरेसी का यूज़ करके उनको दो हेडशॉट मार दिए कंटिन्यू और वो दोनों डाउन। फिर तीसरे एनिमी को मैंने यहाँ पे डाउन ले लिया, फिर बचा एक एनिमी। अब देखना लास्ट एनिमी को मैंने कैसे डाउन किया। लास्ट एनिमी को मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया और उसके बाद मैंने इसे हेड मार के डाउन कर दिया, एनिमी के पास कोई चांस नहीं। फिर देखो ये वाला राउंड, इस राउंड में एनिमीज मेरे ऊपर सीधा रश कर रहे थे जिससे कि मैं थोड़ा सा पीछे को आया और यहाँ पे मैंने प्रॉपर कवर के साथ मैंने जंप किया और एक एनिमी को मैंने डाउन कर लिया। उसके बाद मैंने फिर से कवर ली। कवर को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि अगर आपने कवर छोड़ा तो दूसरा एनिमी आपको हेडशॉट चिपका दे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया और एक एनिमी भाग के आ रहा था और उसको मैंने फिर इजिली वन टाइम मार के डाउन कर दिया। फिर फाइट करते करते हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मैं
फास्ट खेल रहा था थोड़ा, और मैं यहाँ से वॉल से निकला। एनिमी को पता नहीं था कि मैं यहाँ से निकलूँगा, और वो सीधा भाग के आ रहा था, उसको भी मैंने हेड मार के डाउन कर दिया। फिर लास्ट वाले एनिमी को एक दो बॉडी शॉट लग गए और वो फिर फिनिश हो गया। तो चार राउंड मैंने निकाल लिए। अभी आप देखो मिल्क का राउंड। तो इस राउंड के अंदर गाइज मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बहुत ज़्यादा मैंने मूवमेंट की, पर मेरी इस राउंड के अंदर एक भी नहीं चली और मैं एक भी एनिमी को डाउन नहीं कर पाया, और मैं फिर खुद डाउन हो गया। और काफ़ी सारे राउंड के अंदर ऐसा होता है, बहुत सारे राउंड के अंदर ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड किया, पर इस राउंड के अंदर भी मैं डाउन हो गया। अगर मिस्टेक बताऊं तो कई बार थोड़ा लक का गेम भी होता है, कुछ राउंड्स के अंदर हमारा लक बिल्कुल भी काम नहीं करता और हम कुछ भी नहीं कर पाते चाह के भी, और हम डाउन हो जाते। फिर आया क्लॉक टावर का राउंड, और इस राउंड के अंदर मैंने सोच लिया कि भाई मैं एनिमीज को पूरा घुमा दूंगा और फिर मैं इनको घुमा घुमा के परेशान करके हेडशॉट मार दूंगा, जैसा मैंने फैक्ट्री वाले राउंड में किया था। और मैंने फिर ऐसा करके एक एनिमी को हेडशॉट मार भी दिया। उसके बाद मैंने ऐसी मूवमेंट बहुत बार की, बहुत ज़्यादा फास्ट खेला मैं, मैंने बहुत सारे ग्लूफोर लगाए, उल्टे सीधे ग्लूफोर लगाए, पर मेरी एक भी नहीं चली, एक भी एनिमी को मैं डाउन नहीं कर पाया। फिर इस वाले पॉइंट पे आके मैंने शॉटगन को निकाल लिया और फिर जैसे फायर किया पहले ही गोली में बंदा डाउन। उसके बाद मैं थोड़ी सी मूवमेंट की, जोन छोटा हो गया, एनिमी थोड़ा नीचे को चले गए क्योंकि जोन नीचे को था, और यहाँ पे जाके फिर मैंने कूद के इस एनिमी को भी हेडशॉट मार दिया। फिर बचा सिर्फ एक एनिमी, उसके ऊपर मैंने दो तीन फायर किए और उसको फिर हेडशॉट के साथ फिनिश किया। फिर आप नेक्स्ट राउंड देखो, इस राउंड के अंदर भी मैंने बहुत सारे ग्लूफोर लगाए, एनिमीज को थोड़ा सा घुमाया, और यहाँ पे देखो मैं प्रेडिक्शन शॉट कितना ज़्यादा परफेक्ट मारता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने इधर उधर ग्लूफोर लगाए और जैसे मैंने फायर किया एनिमी भी निकल आया और उसे हेडशॉट भी। एनिमी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि अभी मुझे निकलते ही हेड पड़ जाएगा, और उसे मैंने हेड मार दिया। उसके बाद मैंने दूसरे एनिमी को यहाँ पे डाउन किया, और उसके बाद तीसरा एनिमी एलिमिनेट हो गया। फिर एक एनिमी 1v1 करने के लिए लास्ट में रुका था और मैं ओपन में आ गया और उसने मुझे हेड मार दिया। फिर इस वाले राउंड के अंदर मैंने दोबारा से सोच लिया कि भाई अब मैं राउंड निकाल के रहूँगा, और मैंने सेम ही टेक्निक का यूज़ किया, मैंने बहुत सारे ग्लूफोर लगाए, एनिमीज को अपने पीछे भगाया, और फिर यहाँ पे देखो गाइस एक एनिमी को हेडशॉट, दूसरे एनिमी को हेडशॉट, फास्ट मूवमेंट करने वाले दोनों एनिमीज डाउन। स्ट्रैटेजी देख रहे हो गाइस, जो स्ट्रैटेजी इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। उसके बाद मैंने तीसरे एनिमी को यहाँ पे डाउन कर दिया, उसके बाद सोनिया था, और लास्ट एनिमी के साथ काफ़ी देर तक फाइट चली, और फाइट चलने के बाद मैंने उसे यहाँ पे ये शॉट गाइस मैंने से, मतलब कि प्रेडिक्शन ही था, ऐसे ही मैंने फायर किया था और प्रेडिक्शन शॉट में ही वो डाउन हो गया। तो 6-6 का स्कोर करने के बाद इस राउंड के अंदर भी मैं कुछ खास नहीं कर पाया, एक बंदे को मैंने डाउन किया था और उसके बाद मैं डाउन हो गया। और फिर लास्ट राउंड के अंदर भी मुझे ये हेडशॉट पड़ गया, और इस एनिमी को मैं यहाँ पे दिख रहा होऊंगा और मैं यहाँ पे था और मुझे हेडशॉट पड़ा। तो ऐसा नेटवर्क की वजह से होता है, और ये कस्टम में मैंने 6 राउंड निकाले थे और मैंने 29 फिनिशेस किए थे और 6-8 का स्कोर हुआ। और कुछ प्लेयर्स फेस रिवील का बोल रहे थे कि भाई फेस रिवील करो, तो देखो बात ऐसी है, सेकंड चैनल पे जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका जो लोगो है ना, लोगो में जो फोटो है वो मेरी ही फोटो है, तो वहाँ पे जाके आप देख लो। और उस चैनल के ऊपर मैं हैंड कैम वीडियोज अपलोड किया करूँगा 1v4 की। अगर आपको हमारे सामने 1v4 कस्टम में आना है तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं स्टोरी में आईडी पासवर्ड देता हूँ। तो बस फिर गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, टाटा बाय बाय।